खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर, जुलाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बंद बॉडी के कैंटर से लगभग 35 अप्रवासी मजदूरों को रिहा करवाया है। पुलिस जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर चेक कर रही थी, उन्हें गुप्त सूचना मिली कि जींद की ओर से एक कैंटर जो कि बंद बॉडी का है उसमें कुछ प्रवासी मजदूर भरे हुए हैं जिन्हें बैठाकर दिल्ली की ओर ले जाया जा रहा है, जिस पर जुलाना पुलिस ने नाके पर कैंटर को रुकवाया और जांच की तो उसमें लगभग 35 मजदूर बिहार के मिले और 2 मजदूर जो पति पत्नी हैं राजस्थान के मिले, जिन्हें जांच के लिए कैंटर से बाहर निकाला और उनसे पूछताछ की गई। वह व्यक्ति कहाँ से आए हैं तो पूछताछ में पता लगा कि यह लोग पंजाब के धुरी से आए हैं और इस कैंटर पर रास्ते में सवार हुए हैं, जिस पर जुलाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों से बात की और उन्हें वापस पंजाब के लिए उसी कैंटर में भेज दिया। जांच के दौरान इन लोगों को नगरपालिका जुलाना के कर्मचारियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक का छिड़काव कर सैनिटाइज भी किया और वापस कैंटर में बिठाएगा। पूरे प्रदेश और देश में लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में इस प्रकार से अधिक मात्रा में अप्रवासी मजदूरों का निकलना कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान लगाता है। केएनएन मीडिया के लिए जुलाना से अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। तो ये रास्ता में कहीं पेशाब वगैरह करने लगे हुए बाईपास पे, तो मेरे पास सूचना आ गई थी ऐसे ऐसे कंटर में, बंद कंटर में काफ़ी सवारियां भरी हैं, तो यहाँ रुकवा के चेक किया तो यहाँ 35 सवारी तो बिहार की हैं और 2 राजस्थान की, 37 सवारी मिली है बंद बॉडी में और जिनको अफसरों से बात करके वापिस पंजाब में भिजवा दिया गया है, जहाँ ये काम करते हैं वहीं भिजवा दिया गया। ये सलोर है, सलोर एक इंडस्ट्रीज है, वहाँ काम करते थे ये, तो वहाँ से ये कैंटर वाला इनको बैठा लिया। कितने मजदूर? 35 मजदूर तो बिहार के हैं, गया डिस्ट्रिक्ट के बता रहे हैं, 2 राजस्थान के, अलवर के, और ये बसोर है, KRBL कंपनी है, वो बसोर धुरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट संगरूर, वहाँ से बैठा के लिया है।